तो दोस्तों आप अगर विंडोज 11 को यूज कर रहे हैं लेकिन उसमें आपका प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका जो विंडोज है ऑटोमेटिक शटडाउन हो जा रहा है या रिस्टार्ट हो जा रहा है तो आप उस केस में क्या कर सकते हो यानी कि कैसे उसको ठीक कर सकते हो इस वीडियो में यही बताने वाले हैं। तो इस चीज को जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना है। अगर आप कुछ भी मिस कर जाओगे या स्किप कर जाओगे तो आपका जो प्रोसेस है नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि आपका जो कंप्यूटर है ठीक होने की जगह उल्टा और बिगड़ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे पहला जो मेथड हम लोग करेंगे तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको टाइप करना है पावर ऑप्शंस। तो पावर ऑप्शंस जैसे टाइप करेंगे यहाँ पे एडिट पावर प्लान ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, आप इसको ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको ये जो पावर ऑप्शन ऊपर में दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको चेंज व्हाट द पावर बटन डज इसको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे चेंज सेटिंग्स इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो टर्न ऑन फर्स्ट स्टार्टअप रिकमेंडेड इसको आपको ऑफ कर देना है। अब इसको अनचेक कर देना है, फिर आप सेव चेंजेस पे क्लिक करो और इसको क्लोज कर दो। तो सेकंड मेथड जो हम लोग करने वाले हैं दोस्तों आपको अपना कंप्यूटर का हाइबरनेशन को ऑफ करना है। तो इसके लिए आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे टाइप करो CMD, फिर आप CMD को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करें राइट क्लिक करके, फिर यहाँ पे टाइप करें पावर CFG स्पेस -H स्पेस ऑफ, फिर एंटर प्रेस कर देना है। ये काम हो गया, अभी कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर दीजिए। अभी तीसरा जो मेथड हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे वेक कंप्यूटर ऑप्शन को ऑफ करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसके लिए आप स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करें, फिर यहाँ पे सर्च करें कंट्रोल पैनल, फिर कंट्रोल पैनल आ जाएगा, आप इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पे जो कैटेगरी है यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद स्मॉल आइकन्स को सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे आपको नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर इसको सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आपको चेंज एडाप्टर सेटिंग्स इसको क्लिक करना है, फिर यहाँ पे जो इथरनेट का ऑप्शन आएगा इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज में जाना है। अब यहाँ पे आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल 4 ढूंढना है, ये मिल गया। अभी इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे पावर मैनेजमेंट ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है अलाउ दिस डिवाइस टू अवेक, ये अगर आपके सामने ऐसे चेक किया हुआ है तो आप इसको ऐसे बिल्कुल अनचेक कर दीजिए, फिर आप ओके पे क्लिक करें। अब लास्ट और चौथा जो मेथड है दोस्तों यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपना कंप्यूटर में विन के प्लस आर प्रेस करना है, फिर यहाँ पे आपको टाइप करना है रेज एडिट, फिर एंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे आपको जाना है एच की लोकल मशीन, फिर सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट, फिर विंडोज, फिर यहाँ पे आपको विंडोज के ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे की पे क्लिक करना है और इसका नाम डालना है। बिल्कुल ऐसे आपको डालना है विंडोज स्पेस अपडेट, विंडोज और अपडेट का ये जो पहला अक्षर है ये कैपिटल लेटर में होगा, तो आपको ये देख लेना है। फिर आप इसको बाहर क्लिक करें तो इसके बाद आपको विंडोज अपडेट इसके ऊपर फिर से राइट क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको फिर न्यू पे क्लिक करना है और की पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे इस की का नाम डालना है AU, ऐसे करके नाम डालना है। फिर यहाँ पे आपको इस जगह पे आना है, AU के ऊपर डबल टैप करना है, डबल टैप करने के बाद यहाँ पे आपको आना है राइट क्लिक करना है, फिर न्यू पे जाना है और यहाँ पे डी वर्ड 32 बिट वैल्यू इसको सिलेक्ट करना है और इसका नाम यहाँ पे आपको डालना है नो ऑटो रिबूट वर्क लॉक्ड ऑन यूजर। बिल्कुल ऐसे आपको टाइप करना है, आप देख लीजिए कैपिटल लेटर बीच बीच में कैपिटल लेटर होगा, आप बिल्कुल सेम टू सेम मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप बाहर पर क्लिक करें, फिर आप इस लेटर के ऊपर डबल टैप करें, फिर ये जो वैल्यू दिख रहा है इसके ऊपर आपको डबल टैप करना है। डबल टैप करने के बाद यहाँ पे एक पॉपअप ओपन हो गया आ जाएगा और इसका जो वैल्यू है आपको 1 टाइप करना है, फिर ओके पे क्लिक करना है। अब जैसे ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा आप इसको क्लोज कर दीजिए। अब क्लोज कर देने के बाद आप अपना कंप्यूटर को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। कहते दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के शेयर भी कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल वाला आइकन आएगा उसको ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोज और ट्यूटोरियल रिलेटेड वीडियोज मैं अपने चैनल अपलोड करता रहता हूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपका भी मन में कोई सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपका ये जो कमेंट है वो पढ़ के मुझे नया नया वीडियोस बनाने का आइडिया मिलता है और इंस्पिरेशन मिलता है। इस चीज़ के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।